गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कलेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के कलेक्टर को देखा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बो कलेक्टर, फिर पढ़ा आपने पोल कलेक्टर, जिसको कि आप ट्रॉली कलेक्टर भी कहते हो। तो यहाँ तक आपने देखा, और क्या होता है ये कलेक्टर उसके बारे में आपको पता चल चुका होगा, अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे और समझने का कोशिश किए होंगे तब। आज हम लोग एक नए टाइप का कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेंटोग्राफ कलेक्टर, जो कि अभी लेटेस्ट में हर एक जगह यूज में आता है। जितना भी अभी जो ट्रैक्शन सिस्टम की बात करेंगे, जो भी ट्रेन अभी आप देखते होंगे, चाहे पैसेंजर हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे आपका जो जिसको कि आप मालगाड़ी बोलते हो वो हो, तो इन सब में जो भी आपका कलेक्टर यूज होता है पेंटोग्राफ कलेक्टर ही यूज होता है। तो जनरली पेंटोग्राफ कलेक्टर हम लोग यूज करते हैं ट्रेन के लिए, जो कि अभी लेटेस्ट में आपका जितना भी अभी देख रहे होंगे ट्रेन, और सब में हमारा क्या है, पेंटोग्राफ कलेक्टर ही यूज किया जाता है। उसमें भी पेंटोग्राफ कलेक्टर का टाइप होता है, दो तीन टाइप के होते हैं सर। जैसे कि पहला टाइप हो जाएगा फेवली टाइप पेंटोग्राफ कलेक्टर, दूसरा हो जाता है डायमंड शेप पेंटोग्राफ कलेक्टर, फिर तीसरा आ जाता है क्रॉस्ड शेप आप कह सकते हैं, या क्रॉस्ड कलेक्टर भी बोलते हैं उसको। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पेंटोग्राफ कलेक्टर क्या है, जो आप देखते होंगे जो ट्रेन होती है, तो ट्रेन का जो इंजन होता है उसके ऊपर में एक आपका कलेक्टर लगा होता है कुछ जेड शेप का सर, कुछ यूं ऐसा रहेगा सर, ठीक ना। ये पोर्शन आपका क्या है कि जो इंजन होता है उसके रूफ पे माउंटेड होता है, और यह पोर्शन जो आपका होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये मूवेबल होता है। ये आपका क्या होगा, ये अप और डाउन करेगा सर, है ना, ये अप और डाउन करेगा, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्टैक्ट शू बना होता है, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगा, डायग्राम भी आपको बताऊंगा कि कैसा होता है, विजिबल होगा तो शायद आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो पेंटोग्राफ कलेक्टर जो है जनरली हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे कि अधिक स्पीड का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पेंटोग्राफ कलेक्टर का। जनरली आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर से अबव जो हमारा स्पीड होगा ट्रेन का, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। तो जो करंट कलेक्टर होता है कह सकते हैं, या पेंटोग्राफ कलेक्टर होता है जो करंट को कलेक्ट करता है, वो लगभग आपका 2000 से 3000 रेंज एम्पियर के आसपास में क्या होता है कि वो करंट को कलेक्ट करता है। तो ये है, और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो पेंटोग्राफ कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका बना होता है पेंटोग्राफ, ये आपका स्टील का बना होता है। लेकिन जब आप इसको कलेक्टर शू बोलते हैं, जो कलेक्टर शू किसको बोल रहे हैं कि जो आपका ओवरहेड वायर को टच करता है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारा क्या हो गया पेंटोग्राफ कलेक्टर, ये हमारा क्या हो गया पेंटोग्राफ कलेक्टर, और इसके ऊपर से हमारा ये क्या होगा ओवरहेड वायर ऊपर, इसके ऊपर रहेगा सेंटर में, ठीक इसके सेंटर पे रहेगा। तो ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाया, सूज, ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाया, सूज, और ये हमारा टोटल क्या कहला गया, पेंटोग्राफ कलेक्टर इसको बोलते हैं। तो ये जो आपका पोर्शन आपका बना हुआ होता है, ये जनरली स्टील का बना होता है ताकि रस्टिंग से बचा जा सके, इसलिए होता है इसके ऊपर पेंट वगैरह कर दिया जाता है, और ताकि जो जंग लगने की प्रोसेस हो वो नहीं हो। और ये जो सूज बना होता है, ये कॉन्टैक्ट शू बोलते हैं, जैसा कि आपने थर्ड रेल सिस्टम में भी देखा होगा कि जो थर्ड रेल सिस्टम का कॉन्टैक्ट शू अलग अलग टाइप का बना होता, टॉप के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग, साइड के लिए अलग, इस तरह से बना हुआ था। तो ये जो कॉन्टैक्ट शू होता है जनरली 1.2 मीटर लॉन्ग आप कह सकते हैं, मतलब एक से लेके 1.2 मीटर तक आपका ये क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। और यह बना हुआ किस मटेरियल का रहेगा, तो कॉपर का हो सकता है, ब्रॉन्ज का हो सकता है, या कॉपर स्टील का कॉम्बिनेशन हो सकता है, है ना। ये मटेरियल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये किस चीज़ का बना होगा, कॉपर का हो सकता है, या ब्रॉन्ज का हो सकता है, या फिर कॉपर स्टील का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये जो आपका रहता है, इसके ऊपर में हम लोग स्टैगरिंग करके रखते हैं, जो कलेक्टर होता है उसके ऊपर में हम लोग स्टैगरिंग करते हैं, वह स्टैगरिंग हो सकता है उसके ऊपर हम कार्बन लगा दें, है ना, कार्बन लगा दें, ताकि कार्बन का क्या एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, अगर आप डीसी मशीन पढ़ रहे होंगे तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि कार्बन का हम लोग ब्रश बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि उसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है,
कभी आप पेंसिल देखे होंगे, ग्रेफाइट हम बोल रहे हैं अगर, तो जो पेंसिल होता है उस पेंसिल का कभी जो नोक होता है, उस नोक को आप कभी देखिएगा, जब आप उंगली से उसको टच कीजिएगा तो सेल्फ लुब्रिक, मतलब काफ़ी मुलायम हो जाता है आपको उंगली से, तो उसमें क्या होता है, एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है लाइट मटेरियल यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर हम लोग कार्बन या लुब्रिकेटिंग या कुछ ग्रीस लगा देते हैं, अगर ग्रीस भी लगा देते हैं ताकि लुब्रिकेंट के तौर पे काम करे, या इस दोनों जो कॉन्टैक्ट वायर है और ये जो स्लाइड और शूज है उस दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं हो, और क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो हो सकता है ओवर वाइड हेयर जो ओवर हेड वायर है, ओवरहेड वायर में भी फ्रिक्शन की वजह से ग्रूविंग बन सकता है या टूट सकता है, आप कह सकते हैं कमज़ोर हो जाएगा, या ये जो कॉन्टैक्ट शू है इस पे भी हमारा बहुत तेज़ी से ग्रूविंग हो जाएगा। तो हम इस ग्रूविंग से बचने के लिए क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है कार्बन का मतलब या तो स्टैगर कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ग्रीस लगा देते हैं ताकि ये जो है इस दोनों के बीच में लुब्रिकेशन रहे, ताकि फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे ग्रूविंग नहीं बन सके। तो ये हमारा क्या था, मतलब सिर्फ नॉर्मली आप कह सकते हैं कि पेंटोग्राफ का इंट्रोडक्शन था। ये हमारा जनरली कहाँ रहेगा, रूफ पे माउंटेड किया हुआ रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में ही, टाइप ऑफ पेंटोग्राफ में कि कितने टाइप के पेंटोग्राफ होते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको एक बार फिर से डील कर लेते हैं कि क्या है ये। ध्यान दीजिएगा, द पेंटोग्राफ इज एम्प्लॉयड इन रेलवेज फॉर द कलेक्शन ऑफ करंट वेयर ऑपरेटिंग स्पीड इज हाई एज 100 to 150 किलोमीटर पर आवर। इससे तेज भी अगर होगा सर तो भी हम लोग क्या करेंगे, पेंटोग्राफ कलेक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ सर, कि जो पेंटोग्राफ है जो रेलवे में यूज किया जाता है वह हाई स्पीड के लिए किया जाता है, किस पर्पज से, तो करंट को कलेक्ट करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, बाय पेंटोग्राफ कलेक्टर द करंट टू बी कलेक्टेड एज अ लार्ज एज अ 2000 to 3000 एम्पियर। तो जो पेंटोग्राफ होता है उससे जो करंट कलेक्ट किया जाता है किस अमाउंट में, लगभग आप कह सकते हैं हाई होता है 2000 से लेकर 3000 एम्पियर के बीच में होता है। देखिए ये सर डेटा है आपका, ध्यान रखिएगा ये डेटा है, और यह डेटा क्या होगा कि आपका वैरी हो सकता है, बुक पे डिपेंड कर रहा है सर, कि कुछ बुक में डेटा आपका 2000 से 3000 है, किसी में आपका 2500 से 3500 दिया हुआ है। तो इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिए बुक पढ़ने का थोड़ा सा, ताकि आपको डेटा में क्लियरेंस मिले। क्योंकि कल मैं कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा था, आप लोग के साइड से ही आया था, किसी के कॉलेज से भेजा गया था, तो मैं वह ऑब्जेक्टिव जो देख रहा था, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि कॉलेज में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया सर। ये आप पढ़ रहे हैं तो उम्मीद आपको मालूम होगा कि कॉलेज में बताया गया है या फिर नहीं बताया गया है। तो उसमें मैंने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्टिव था सर उसमें बहुत सारे, मतलब सारा जो ऑब्जेक्टिव था डेटा बेस्ड ही था, और जितने भी डेटा थे सर उस डेटा में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि बुक में जो डेटा दिया हुआ है आपका उससे काफ़ी अलग डेटा उस ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इस तरीके ऐसे में कि मैं क्या क्लिक करूँ, मतलब क्या टिक करूँ ऑब्जेक्टिव में कि मेरा सही हो। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप भी क्या है कि बुक का यूज़ कीजिए और ऑब्टेन कीजिए प्रॉपर डेटा जो आपको मिलता है, वो कोशिश कीजिए कि आपको मिल जाए, ताकि आप कॉलेज में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं उसका भी आप उसको भी कंपनसेट कर पाएं। क्योंकि मान लिया जाए कि जब तक आपके जो कॉलेज में, अभी इंटरनल तो कॉलेज वाले पर ही डिपेंड करेगा, और जब तक आप उनके अनुसार से आपका ऑब्जेक्टिव सही नहीं होता है सर, वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर कॉलेज से क्वेश्चन मिल रहा है आपको ऑब्जेक्टिव उस तरह से, तो उसका आंसर भी आप मतलब ऑब्टेन करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको सहूलियत हो, डेटा वेरिएशन जो होता है उसमें कहीं परेशानी नहीं हो। तो आगे देखते हैं सर, द पेंटोग्राफ आर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ रूफ ऑफ व्हीकल एंड यूजुअली कैरी ए स्लाइडिंग शू फॉर कॉन्टैक्ट विथ द ओवरहेड कंडक्टर और कैटनरी। ठीक है, तो अभी मैंने ये भी बोला कि पेंटोग्राफ जो होता है वो जो व्हीकल होता है उसके टॉप में रखा जाता है ना, उसके टॉप में रखा जाता है, और ये जो होता है इसमें क्या होता है, जो पेंटोग्राफ में एक स्लाइडिंग शू बना होता है, ठीक वही जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जेड शेप में जो बना है इसके ऊपर में आपका क्या रहेगा, ये इसको हम लोग स्लाइडिंग शू बोलते हैं, और ये क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट वायर में क्या करेगा, टच करेगा, है ना, उसी में टच करेगा, तब जाके वो क्या करेगा, करंट को कलेक्ट करेगा। यहाँ पे केबल लगा हुआ रहता है सर करंट को कलेक्ट करने के लिए।
दी कॉन्टैक्ट सू आर यूजुअली अबाउट 1.2 मीटर लॉन्ग, देयर मे बी सिंगल सू और टू सू ऑन ईच पेंटोग्राफ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहने का क्या मतलब हुआ कि जो सू होगा लगभग 1.2 मीटर लॉन्ग मैं बता रहा हूँ, तो ये जो आपका सूज बना रहेगा, ये जो सूज मतलब जो आपका कैटनरी वायर में टच करता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये जो होगा आपका 1 से लेके 1.2 मीटर तक आपका लॉन्ग रहेगा, है ना, लगभग 1 मीटर भी रहेगा या 1.2 मीटर तक आपका ये क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो यही सू जो है किसी में एक ही सू रहेगा और किसी में डबल सू भी रहता है सर, अगर हाई स्पीड की बात करेंगे तो उसमें डबल सू भी रहता है और किसी में एक सू से भी काम चल जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो पेंटोग्राफ बना होता है उसका जो ये कॉन्टैक्ट सू होता है वो जनरली 1.2 मीटर लॉन्ग होता है और उसमें आप कह सकते हैं कि ये एक सू भी रहता है और दो सू भी रहता है। देखिए, मटेरियल यूज फॉर पेंटोग्राफ इज स्टील, तो ये जो आपका पेंटोग्राफ का कंप्लीट मटेरियल मतलब जितना भी आपको कह सकते हैं ये आपका ये जो जेड शेप का बना रहता है, तो ये कंप्लीट जो होता है किसका बना रहता है, स्टील का बना रहता है। लेकिन जब यह सूज का बात करेंगे हम लोग तो वह आपका अलग अलग मटेरियल का बना रहता है। एंड मटेरियल यूज फॉर कलेक्टर सू इज ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज कॉपर स्टील कॉम्बिनेशन सिलिकन मैगनीज स्टील एल्यूमिनियम स्टील एटसेट्रा। तो ये सारे मटेरियल का हमारा क्या होता है, ये सूज बना हुआ होता है, जो कॉन्टैक्ट सू रहता है पेंटोग्राफ में वो आपका बना रहेगा इस डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का। कौन कौन सा, कॉपर ब्रॉन्ज कॉपर स्टील कॉम्बिनेशन सिलिकन मैगनीज स्टील एल्यूमिनियम स्टील एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे क्या एक लास्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, हाउएवर दिस रिक्वायर्स सम लुब्रिकेटिंग मीडियम सच एज ग्रेफाइट ग्रीस ईटीसी। देखिए कार्बन का ही अपर रूप आप कह सकते हैं कि कार्बन का ही एक फॉर्म है आपका ग्रेफाइट जो कि आपके पेंसिल में यूज होता है, तो आप जो है यह कॉन्टैक्ट सू के ऊपर में ग्रेफाइट भी लगा सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ग्रीस लगा देते हैं ताकि हमारा जो ये मीडियम है वह लुब्रिकेट हो जाए। इट मीन्स कि जब आपका कॉन्टैक्ट वायर और कॉन्टैक्ट सू जो रहेगा पेंटोग्राफ का उसके बीच में जब संपर्क बने तो किसी तरह से मतलब फ्रिक्शन नहीं हो, मतलब अगर हो भी तो कम फ्रिक्शन हो ताकि ऐसा ना हो कि आपका ओवरहेड वायर डैमेज हो जाए या पेंटोग्राफ डैमेज हो जाए। कोशिश ऐसा रहता है सर कि इस तरह से इसको मैनेज करें कि ओवरहेड वायर कभी भी डैमेज नहीं हो, अगर डैमेज भी हो तो पेंटोग्राफ डैमेज हो तो चलेगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब ओवरहेड वायर आपका डैमेज होता है तो आप समझिए कि पूरा का पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, जितना स्पैन का आपका ओवरहेड वायर है उससे कहीं और आगे बढ़ के आपको ओवरहेड वायर को चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि एक पेंटोग्राफ को हम एक इंजन पे क्यों ना चेंज कर लें, है ना। तो इसलिए कोशिश रहता है कि आपका जो पेंटोग्राफ है वो अगर पेंटोग्राफ सूज और लुब्रिक जो ये रहता है आपका कॉन्टैक्ट वायर उसके बीच में जो संपर्क बनता है उसके बीच में जितना कम फ्रिक्शन रहेगा उतना ही हम लोग ग्रूविंग से क्या होगा बचेंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग प्रोवाइड किया जाता है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ पेंटोग्राफ कलेक्टर। देखिए टाइप ऑफ पेंटोग्राफ, तो पेंटोग्राफ का जो टाइप होगा वो दो टाइप का मेनली आपका दो टाइप का होगा, पहला हो जाएगा फेवली टाइप पेंटोग्राफ और दूसरा हो जाएगा डायमंड टाइप पेंटोग्राफ। तो फेवली टाइप पेंटोग्राफ एलोन मतलब जो आप नॉर्मल देखते हैं जो रूफ पे जो इंजन होता है उसके रूफ पे जो होता है वो हमारा फेवली टाइप पेंटोग्राफ होता था, बट इनिशियली शुरुआती के दौर में हमारा क्या डायमंड टाइप पेंटोग्राफ यूज होता था। यहाँ पे डायमंड नहीं, यहाँ पे पेंटोग्राफ कर लीजिए आपसे, ये कर लीजिए, है ना, डायमंड टाइप पेंटोग्राफ। अब डायमंड टाइप पेंटोग्राफ जो यूज करते थे उसका कुछ डिसएडवांटेज था कि वो जो इंजन का रूफ होता है या जो ट्रैक्शन का रूफ होता है वो ट्रैक्शन के रूप पे ज़्यादा एरिया कवर कर लेता था, है ना। तो इस वजह से इसमें ही क्या हो गया कि डायमंड टाइप पेंटोग्राफ को ना यूज करके हम लोग क्या किए, क्रॉस्ड टाइप पेंटोग्राफ यूज कर लिए, क्रॉस्ड टाइप पेंटोग्राफ। यहाँ पे आप कर लीजिए क्रॉस्ड डायमंड टाइप, ठीक है, ये भी दिखता है सिमिलर है बट थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जो होता है सीधा सीधा आपका जो लेग बना होता है आपका पेंटोग्राफ बना होता है सीधा बना होता है और इसमें क्या किया जाता है क्रॉस कर दिया जाता है, है ना। तो ये हो गया आपका दो टाइप। अब जो है हम लोग एक स्लाइड के थ्रू कोशिश करेंगे
या देखेंगे कि फैमिली टाइप पेंटोग्राफ जो होता है वो कैसा होता है और उसका ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब कैसे वह ऑपरेट करता है, उसमें कितने सारे इक्विपमेंट कंपोनेंट बने होते हैं, लगे होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक स्लाइड के थ्रू। उसमें मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी तो डायग्राम आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसा होता है आपका फैमिली टाइप पेंटोग्राफ और कैसा ऑपरेट करता है, ठीक है। साथ में मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा आपको कि कैसे आप देख सकते हैं कि पेंटोग्राफ जो होता है कैसे ऑपरेट हुआ और कैसे आपका आगे जो है कैटनरी वायर से टच करता है और कैटनरी वायर से टच करके करंट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। फिर आपका बचेगा डायमंड टाइप पेंटोग्राफ, फिर उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। तो लिख लीजिए इसको आप।
फिर फंस गया, फिर रह गया नीचे। पूरा गिर गया, गिर रहा हल्का था। ठीक से फिर फंस गया। बोलिए लोग जी, गिरा ही ना, वो छोड़ दो, हो गया। बढ़िया है, डीजल डीजल है, डीजल नीचे करो ना, तो तू तो ऊपर कर दे। क्या किया है? हाँ, ना लगा दिया। चेंटो उठे, पीछे वाला था। क्या बोला? ऊपर उठाने का मौका मिला है।